आज तक 12 लाख किसानों ने आत्महत्या की, उद्योगपति ने कितनी आत्महत्या की प्रश्न है। इसलिए आज जो ये सभा बुलाई थी, अभी ये आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया है। दूसरी बात ये कि अभी आगे के लिए 8 राज्यों में हमारी डेट निश्चित हो गई है। 8 राज्यों में अभी सभा लग गई है। हमारा आंदोलन जब होगा दिल्ली में 25 फरवरी, 3 महीना बाकी है। 3 महीना आंदोलन के लिए बाकी है। 3 महीना में अभी 8 राज्यों में ये सभा है और भी अभी यह सभा होगी। अभी 3 महीना में कम से कम 20 या 22 राज्यों में सभा होगी और लोगों को जगाएंगे। और जब दिल्ली में सभा होगी तो हर राज्य के किसान वहां आएंगे कि किसानों के खेती माल को खर्चा पर आधारित सही दाम मिले। और जो किसान खेती पर निर्भर है, उसकी उम्र 60 साल की हो गई, उनको पेंशन मिलना जरूरी है। एक इशू है। दूसरा है लोकपाल। ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ गई, ये लोकपाल को इन्होंने कमजोर कर दिया। 27 जुलाई में नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकपाल को कमजोर करने वाला बिल लाया, 27 को लोकसभा में रखा, एक दिन में पास किया, 28 को राज्यसभा में रखा, एक दिन में पास किया, चर्चा नहीं, और 29 तारीख को राष्ट्रपति की साइन किया और 3 दिन में लोकपाल को कमजोर करने वाला कानून लागू किया। 3 दिन में। और लोकपाल का कानून 6 साल हो गए नहीं होते। तो इधर तो हम सुनते हैं, बोलते हैं मन की बात। अरे मन की बात, मन साफ होना। अगर मन साफ है तो कमजोर क्यों कर रहे हैं लोकपाल को? भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना है तो लोकपाल को कमजोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए पूरे देश में अभी मैं घूमूंगा, पूरे देश के जनता को जगाऊंगा, आजादी की दूसरी लड़ाई समझकर ये लड़ाई लड़ेंगे।